Hello students, so this is question number 4 based on equation of first order but higher degree, right? So this question is also different from the previous question. So क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि dy by dx, अब ये देखो dy by dx और dx by dy दिया है, पहले p में equation दी थी, तो अब इसको पहले p में convert करेंगे और फिर बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हम लोग previous cases में करते हुए आए हैं. So right, so let's start the solution. Let us denote dy by dx as p. जब dy by dx को हम लोग p डिनोट करेंगे तो what will be dx over dy? So इसको रिवर्स करेंगे, that will be 1 by p. So therefore given equation becomes, that is p minus 1 by p equals to x by y minus y by x. तो अब अपने को ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ आप एलसीएम ले लीजिए इसका. दिस इज p स्क्वायर माइनस 1 ओवर p इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दैट इज एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट. एक्स वाई की यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, सो दिस विल बी एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू वट विल बी हियर, दिस इज एक्स स्क्वायर पी माइनस वाई स्क्वायर पी. इन दोनों को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, सो दिस विल बी एक्स वाई पी स्क्वायर. तो पी वाले टर्म्स हम उनको पहले लिख लूंगा, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो. अब आपको जो कॉमन दिख रहा हो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, सो दिस विल बी, यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स पी, यहाँ से आपने एक्स पी लिया तो यहाँ से बचा आपका क्या वाई पी माइनस एक्स पी चला गया तो यहाँ से बचा एक्स, राइट. इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से आ सकता है हमारे पास वाई कॉमन, सो मैंने वाई कॉमन लिया, सो दिस विल बी वाई पी माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो. और ये आपके लीनियर फैक्टर्स बन गए यहाँ पर, सो दिस इज नथिंग बट वाई पी माइनस एक्स इंटू एक्स पी प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, राइट. सो वाई पी माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू जीरो. तो यहां से अब आप अपने पी को वापस रिप्लेस कर दीजिए एस डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इज वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट. माइनस एक्स को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, दिस इज इक्वल्स टू एक्स. और दूसरी इक्वेशन को जो ये है इसको भी लिख लीजिए साइड बाई साइड अगर लिखना चाहते हैं तो. सो दिस इज एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इक्वल्स टू माइनस वाई. आप वन बाय वन सॉल्व कीजिएगा, पहले इसको कर लीजिएगा फिर उसको कीजिएगा, ठीक है. मैं भी ऐसे कर देता हूँ. सो दिस इज वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, राइट. तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप इंटीग्रेट कर लीजिए इसको ऑन इंटीग्रेशन. चलो दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा बच जाएगा अपना. एक्स डी वाई इसको लिख लीजिए डी वाई ओवर वाई इक्वल्स टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स, राइट. सो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, दोनों को इंटीग्रेट कीजिए क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा आपके पास में कितना वाई स्क्वायर बाई टू, राइट, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू. मैंने आपको पहले भी कई बार बताया जैसा आपका सॉल्यूशन आ रहा हो बिल्कुल कांस्टेंट आप उस तरीके से ले लीजिएगा, तो इसको मैंने ले लिया सी बाई टू, राइट. सो ये हो जाएगा आपका कितना, दिस इज नथिंग बट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, और वट वी कैन राइट, दिस इज नथिंग बट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी. से दिस इज फर्स्ट, आप इसको सेकंड वाले को भी कर लेंगे इसको इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे दिस विल बी लॉग वाई इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स,
और प्लस एक कांस्टेंट लॉग सी, राइट? सो दिस आई कैन राइट इट एज दिस इज लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एम माइनस लॉग एम, दैट इज लॉग ऑफ सी बाई एक्स, राइट? सो दिस इज नथिंग बट y equals to c by x, or what we can write, this is nothing but x y equals to c. Say this is second. ये आपके दोनों सॉल्यूशन आ गए, दोनों सॉल्यूशन आ गए. अब इन दोनों को आप जनरल सॉल्यूशन के रूप में लिखिए. Therefore, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई माइनस सी. वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी, एक्स वाई माइनस सी इक्वल्स टू जीरो. सो यहां तक आपको कोई दिक्कत आई होगी समझने में. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. तो छोटा सा क्वेश्चन था, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.